हेलो फ्रेंड्स, विजडम लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग देख रहे थे ये जो बच्चों को सीखने के लिए जो भी छोटे छोटे स्मॉल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर 4 वर्ड का, 3 वर्ड का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग छोटे से छोटे वर्ड्स से हम लोग शुरू करके एक अच्छा इंग्लिश सीख सकते हैं, अच्छा इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं लेकर आया हूँ उल, यानी जो लास्ट के जो भी 3 वर्ड है, जो भी 4 वर्ड होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स के जरिए हम लोग क्या यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। यानी OOL, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, उल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसा कि OOL यहाँ पर दिया है, ठीक है। OOL में अगर मैं टी मिला देता हूँ, यानी ट का स्पेलिंग, टी का स्पेलिंग हिंदी में क्या होता है, ट होता है, ठीक है। तो ट, अभी बाकी जो बचा कुछ है क्या है, उल है ना, तो उल, तो ट में उ का मतलब होगा टू, ल क्या हो गया, ये टूल, ठीक है। ऐसा ही स का हिंदी वर्ड क्या होता है ना, क, क में उ का मंत्र लगाया कू, फिर ये क्या है, ल, क्या हो गया, ये कूल, ठीक है। ऐसा ही उल में, उल में ऐसा ही डब्लू मिला दिया, ठीक है। डब्लू में यानी डब्लू किसका वर्ड है ना, व, व में अगर मैं छोटा उ का मंत्र, बड़ा उ का मंत्र लगा दिया तो वो ल, ठीक है। ऐसा ही ये उल है, उल में अगर मैं पी लगा दिया, प, प में बड़ा उ का मंत्र लगा दिया पू, ल, ठीक है, ये क्या है, उल। उल में अगर मैं एफ लगा दिया, एफ यानी हिंदी में क्या होता है, फ, फ में बड़ा उ का मंत्र लगा दिया फू, ल, क्या हो गया, ये फूल, ठीक है। ऐसे ये भी उल है, उल में मैंने आर मिलाया, ठीक है। आर का हिंदी वर्ड क्या होता है, र, र में बड़ा उ का मंत्र लगा तो रू, ल, क्या हो गया, रूल, ठीक है। ये भी उल है, उल में एस टी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये स्टू, ल, क्या हो गया, ये स्टूल, ठीक है। ऐसे ये उल है, उल में क्या लगाया, स्कूल, ठीक है, तो हो जाएगा स्कू, ल, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हम लोग क्या करने वाले हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये क्या है, ब, बू, ल, है ना। तो हम लोग ये छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं हम लोग इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। अगर हम लोग बहुत से बच्चों को अगर हार्ड इंग्लिश देते तो उन लोगों को आता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अगर इसी तरीके से छोटे छोटे वर्ड को फॉलो करके अगर उनको हम अच्छे तरीके से बताएँ, तो वो बच्चे फॉलो करके धीरे धीरे इसी तरीके से स्मॉल वर्ड से शुरू करके वो लोग एक अच्छा इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो या फिर कुछ अगर कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर ऐसे ही आप वीडियोस चाहते हैं इसी तरीके से, अगर आपको इंग्लिश और भी वर्ड्स चाहिए, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।